सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स आप देख सकते हो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर है, जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं एक्स माइनस टू। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्टेप्स नोट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने देखा है यहाँ पर जो नंबर हमारा डिवाइड कर रहा है x माइनस ऑफ टू, तो जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं ये पॉलिनोमियल्स का, तो x माइनस ऑफ टू, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो नंबर है हमारा माइनस ऑफ टू है। तो जब भी कभी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमें उसका ऑपोजिट साइन वाला नंबर लेना चाहिए। माइनस टू का ऑपोजिट साइन होगा हमारा प्लस टू, तो हमें प्लस टू लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें कोई भी याद रखना है हमें कि यहाँ पर कोई भी डिग्री मिस ना हो, ठीक है। कोएफिशिएंट उसके उसी प्रकार से हम लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक्स क्यूब है, देन एक्स स्क्वायर है, देन यहाँ एक्स रेस टू वन है, देन यहाँ पर एक्स टर्म मिसिंग है, एक्स रेस टू जीरो है। तो यहाँ पर सारे टर्म्स हमारे प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर प्रेजेंट है जो है वो है वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है टू, यहाँ पर एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है थ्री, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि है हमारा फोर। और लिखने के टाइम साइन पर भी ध्यान दीजिएगा, साइन भी हमें प्रॉपरली पुटअप करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो वन माइनस टू थ्री माइनस फोर। तो अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ हम देख सकते हैं अभी। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कभी भी हमें क्या करना है, टेक डाउन करना है, नीचे की टूवर्ड्स लिखना है। तो ये रहा, मैंने फर्स्ट टर्म नीचे लिख दिया है एज इट इज़ वन। अब एकदम इजी और मेन स्टेप जो है, हमें ये जो टर्म मिला हुआ है यहाँ पर, जो वन टर्म को हम लोग ने ब्रॉड डाउन नीचे किया हुआ है, इसे स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी वन मल्टीप्लाई बाय टू, हमें आंसर कितना मिलेगा, वन टू ज़ा इज टू, देन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है हमारा ऑपरेशन करने के टाइम, प्लस प्लस हमेशा होता है मल्टीपल में प्लस ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस टू पुटअप किया। देन माइनस प्लस, माइनस प्लस सॉल्व करने के टाइम क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा हमें माइनस ऑपरेशन होता है, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर भी पुटअप करना रहता है। तो यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर प्लस टू है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और टू माइनस ऑफ टू जीरो हो जाएगा। सेम स्टेप हमें वापस रिपीट करना है। अभी यहाँ पर जो हमारा आंसर्स मिला है हमें जीरो, जीरो को हमें टू के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन जीरो मल्टीप्लाई बाय टू हमें कितना मिलेगा टर्म, वो है ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर जीरो एज इट इज़ लिख दिया, देन इसका साइन पॉजिटिव एज इट इज़ आ जाएगा। देन थ्री प्लस जीरो, थ्री प्लस जीरो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो हमें आंसर मिलेगा वो है थ्री। देन अभी थ्री को हम टू के साथ मल्टीप्लाई करिए, थ्री टू ज़ा सिक्स, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म, देन साइन भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। देन यहाँ हमने लिखा है पॉजिटिव सिक्स। अब माइनस फोर प्लस टू, माइनस प्लस माइनस होता है, देन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये हमारा टू है। और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टर्म्स मिले हमें, ये सारे टर्म्स क्या क्या है, ये हमारा जो टर्म मिलता है हमें, इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, जो लास्ट वाला टर्म रहता है हम इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और रही बात ये थ्री जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं हम इसे, कॉन्स्टेंट टर्म होता है। और देन ये सारे जो भी टर्म्स हैं हमें, ये सब एक्स के टर्म्स हैं। और जब कबार हमें जब लिखना होता है, तो अभी एक्स क्यूब था हमारे क्वेश्चंस में, आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब टर्म था, हमें उसको एक एक टर्म से रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम उसे कम करेंगे एक एक टर्म से, तो ये जो टर्म होगा ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देन ये टर्म जो बनेगा वो हमारा बनेगा ज़ीरो एक्स, ठीक है, प्लस जीरो एक्स। देन ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारा थ्री, देन ये आ जाएगा हमारा प्लस ऑफ टू, ठीक है, ये हमारा आंसर्स है। तो हम इसे प्रॉपर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी फॉर्म में मैंने एक एक डिग्री लेस किया हुआ था, देन ये एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया था, देन ये एक्स का टर्म हो गया था, फिर देन ये हमारा कॉन्स्टेंट का टर्म हो गया था, और देन यहाँ पर जो था हमारा रिमाइंडर का टर्म था। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर का टर्म, देन यहाँ पर हमारा एक्स का टर्म, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, देन यहाँ पर हमारा रिमाइंडर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो दो इक्वेशन है हमारा, उससे इसे कंपेयर करूँगा, फिर बाद में जाके हम हमारा फाइनल आंसर्स लिख सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर के पोजिशन पर हमारा एक्स स्क्वायर टर्म ही मिला है एज इट इज़,
बट यहाँ पर आप देख सकते हो x के टर्म में क्या मिला हमें 0x, तो चाहिए तो आप 0x लिख भी सकते हो, अगर आपको स्किप करना है तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ पर 3, देन यहाँ पर बचा हुआ ये कॉन्स्टेंट टर्म हमने लिख दिया, देन ये बचा हुआ हमारा रिमाइंडर टर्म है, रिमाइंडर टर्म हमने यहाँ एज इट इज़ लिखा। देन हमें ये लिखने के बाद हमें नीचे जो हमारा जो नंबर से हमने डिवाइड किया था x माइनस ऑफ 2 वो टर्म भी हमें एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर्स हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पर मिल चुका है, यही आंसर्स हमें फाइंड आउट करना था। अभी यहाँ पर आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम ये इससे पॉलीनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था रिमाइंडर हमें जो यहाँ पर मिला था 2, अब हम यही रिमाइंडर का यूज़ कर पॉलीनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन में था एफ ऑफ एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में आप देख सकते हो टर्म्स जो है वही टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस ऑफ 4। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर का हमें आंसर्स मिला है वही रिमाइंडर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और आपको आंसर्स फिर से वही सेम नंबर ही मिलने वाला है जो कि है पॉजिटिव 2। चलो तो अभी यहाँ पर चेक करते हैं एक्स की जगह पर मैं क्या पुटअप करने वाला हूँ, 2, ठीक है। देन 2³ हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो 2³ क्या हो जाएगा हमारा 8, माइनस 2 लिखा मैंने एज इट इज़, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, देन यहाँ प्लस 3 टू जा 6 माइनस ऑफ 4, ठीक है। देन यहाँ 8, यहाँ माइनस ऑफ 8, देन यहाँ प्लस 6 माइनस ऑफ 4। देन अभी हम इसे सॉल्व करिए तो हमें आंसर्स जो मिलेगा वो है पॉजिटिव 2, ठीक है। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर जो कि हमारा इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल है रिमाइंडर के साथ, जो हमें रिमाइंडर मिला था 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैंने जितना हो सके उतने कोशिश की कि ये सम्स ईजी बनाऊँ, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ छोटी मोटी सी गलतियाँ होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा यह टीचिंग स्टाइल और टीचिंग वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो 9th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों को सिंथेटिक डिवीजन में कुछ दिक्कतें होती है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।